दलित युवक की पीट पीट कर हत्या। शव को परासिया थाने के सामने रख कर किया प्रदर्शन। परासिया कोयल अंचल में दलित युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। विवाद एक छेड़छाड़ के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने चांदामेटा के इस युवक को परासिया में बेरहमी से पीट दिया था। घायल युवक का नागपुर में उपचार चल रहा था, जहां शुक्रवार के दिन उसकी मौत हो गई। राजा डहरिया की मौत की खबर जैसे ही कालरी तक पहुंची तो यहां हंगामा खड़ा हो गया। परिजन शव लेकर एम्बुलेंस से परासिया पहुंचे तो परिजनों और अन्य रिश्तेदारों ने सबको एम्बुलेंस से उतारा और शव को बीच चौराहे पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद थाने के सामने भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की बात कही और जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मृतक राजा डहरिया के खिलाफ 1 जनवरी को चांदामेटा थाने में छेड़छाड़ की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। यह शिकायत चांदामेटा की युवती ने दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद 2 बजे के आसपास ही राजा के साथ मानव शर्मा, शांतनु शर्मा और अमन तिवारी नामक युवक ने बेरहमी से पीटकर उसे घायल कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परासिया CTN से शेख फरीद की रिपोर्ट। परिवार के लोगों ने आकर ज्ञापन दिया है और उनके द्वारा आरोपी की मांग की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसमें हमने अक्सर प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी गिरफ्तारी तत्काल गति सील कर ली जाए और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई की जाए। घटनाक्रम ये था, इसमें एक शर्मा परिवार है, शर्मा बेटा का, उसकी किसी परिवार की लड़की के सामने मृतक के द्वारा छेड़खानी की गई है। इसकी तरफ से आरोपी के अगेंस्ट में 3 सौ की FIR थाना चौदह मेटा मंगी है। उसके बाद में ये मृतक परिवार के लोगों के द्वारा उसमें मृतक को मारा पीटी गई है, जिसमें इलाज के दौरान उसकी नागपुर में मृत्यु हुई। उसके बाद में ये उसकी डेड बॉडी आई, इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। परिवार के लोगों की शिकायत थी कि उनकी रिपोर्ट नहीं दी गई। इस बारे में कहना हुआ तो चीज नहीं हुआ, क्योंकि फिलहालियों के द्वारा ना कोई थाने आया है, ना कोई रिपोर्ट लिखवाने आई है, बल्कि जब ये घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो उसने समीप जो है उसने कार्रवाई की है, पुलिस को बुला के FIR करवाई है और उसकी जो भी कार्रवाई हो रही है वो तो पुलिस के द्वारा किसी भी कार्रवाई कोई इलावाली या नोट नहीं किया। अभी इसमें जो पहले की FIR हुई है उसमें 323, 324, 295 की धारा है, इसकी धारा है। अब इसके बाद में उसमें मार्ग की डायरी में उसकी आएगी, इसमें 302 की धारा बनाई है। CTN Live, हमेशा समाचार के साथ।